वेलकम टू क्राइम स्टोरीज दिस इज़ मीरब जीशान व्यूअर्स लाहौर में सनसनी फैली हुई है बहुत बड़ा वाक़ सामने आया है गैंग वॉर क्या दोबारा शुरू होने वाली है बहुत ही अर से दो तीन साल पहले एक लंबी लिस्ट लगी थी जिसके अंदर कई वाक्यात पेश आ रहे थे कई सूरत हाल सामने आ रही थी जिसमें गैंगस्टर्स का नाम हो रहा था लाहौर के दस गैंगस्टर्स में नंबर दो पर आने वाले मशहूर टीपू ट्रका वाला के बेटे अमीर बल्लाज कल कत्ल हो गए हैं रात को ये वाक्य पेश आया अफसोसनाक वाक्य इस बारे से बात करते हैं नाजन काफी इस गुफ्तगु से हो रही थी लेकिन जिन्होंने स्टोरी ब्रेक की है जो मुसलसल ये सारे के साथ है उनसे बात करवाना चाहूंगी आपकी आ, समा टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब अमाल उमर आप मुसलसल ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं और सारी सिचुएशन आपके सामने है बेसिकली वाक्य पेश आया कैसे है ये बहुत बड़ा एक एक्ट था कैसे अमल में आया देखें अमीर बलाज टीपू ट्रका वाला का बेटा जिसकी उम्र तकरीबन बत्तीस तैतीस साल है उसका एक करीबी दोस्त है उस्मान उसके भाई की शादी चल रही थी उस्मान ने इसको इनवाइट किया और ये बारात पे भी गया बारात का फंक्शन जुमे को था फिर वलीमे का फंक्शन इतवार को हुआ तो इतवार वाले दिन रात को तकरीबन के पौने नौ बजे ये वलीमे के फंक्शन में पहुंचा है जो कि ठोकर से आगे एक सोसाइटी है वहाँ पर फंक्शन हो रहा था वहाँ पर बैठे हैं मेहमानों से मिलें और वो जो इसका दोस्त है उस्मान वो एक सबक डी का बेटा है रिटायर्ड डीएसपी हैं उनका बेटा है तो वहाँ पर डेफिनेटली डीएसपी एस साहब का अपना एक हल्का अहबाब होगा पॉलिटिशियंस भी आए हुए थे सिक्योरिटी भी, हुए थे काफ़ी सिक्योरिटी थी हाँ। तो वहाँ पर बलाज पहले पहुँच गया उसकी वजह ये थी कि उस्मान से इसकी बड़ी गहरी दोस्ती है उस्मान जो दूल्हे का भाई है हाँ। अब उस्मान ने बाकी सारों से मुलाकात करवाई जो धूल्हे और दुल्हन का मेन स्टेज है उसके साथ वाली जो वी टेबल थी वो लगवाई और वहाँ पर बलाज बैठा जो ख़ास मेहमान थे जब जिनको सबसे आगे बैठाना था वहाँ पर ही बलाज बैठा तकरीबन तो एक घंटा वहाँ पर बैठे रहे खाना सर्व हुआ खाना खाने के बाद बलाज वहाँ से जाने लगा तो चूँकि ये एक हमारा यहाँ पर इस सोसाइटी में लोगों का है कि जी जो गैंगस्टर टाइप लोग होते हैं ना लोग उनके साथ सेल्फीज़ बनाना बड़ा पसंद करते हैं तो जैसे ये टेबल से उठाया और जाने लगा तो बहुत से वहाँ पर शादी में लोग मौजूद थे वो इसके करीब आए और सेल्फीज़ बनाना शुरू कर दी इसकी अपनी एक सिक्योरिटी है तकरीबन तो कोई बीस से बाईस इसके अपने गार्ड्स हैं गनमैन अच्छा। हैं जो इसके साथ होते हैं चूँकि इनकी ख़ानदानी दुश्मनी चली आ रही है वो बार बार डिस्कस करते हैं उस सेल्फीज़ का एक वहाँ पर जो दौर शुरू हुआ तो उसमें सिक्योरिटी ने इनको पीछे किया इसको बाहर ले जाना शुरू किया और थोड़ा स्पीडली बाहर जा रहे थे एक, तो कि एक तकरीबन कोई पचास साल की उम्र का एक सिक्स फीट हाइट उसकी होगी वो आ गया है और उसने कहा मैंने भी सेल्फ़ी बनानी है तो वो ऐसा कोई बंदा जो कि एज वाइज ऐसा हो तो बलाज ने खुद ही रुक के उसको आगे आने दिया और सिक्योरिटी ने भी रिस्क ले लिया चूंकि बलाज ने ख़ुद उसको रास्ता देने का कहा कि सोलाज और वो आगे आया है और उसने बलाज के शोल्डर पे हाथ रखा है और मतलब इन अ ब्लिंक ऑफ आई मतलब किसी को पता नहीं चला उसके हाथ में गन थी और उसने उसके शोल्डर से गन फायर की है चार गोलियां बलाज के शोल्डर से यहाँ से अंदर से गई हैं दो पार हो गई हैं और साथ खड़े हुए तीन अफराद जो हैं उनको भी वो गोलियां लगी। मेन वाइल उसकी सिक्योरिटी ने रैंडम और रैपिडली जो एक्शन लेना था वो एक्शन लेते हुए उन्होंने उस शूटर को धक्का दिया है एक गार्ड ने इसके गनमैन ने उसके सीधा सर पे गोली मारी है उसके वो भी आर पार होगी और उसकी भी मौके पे मौत हो गई खैर बलाज को जख्मी हालत में और जो बाकी जख्मी थे आ, चार बंदे हुँ. पहले दो को इनिशली लेके गए हैं जिना हॉस्पिटल चूंकि पहले पता लगा कि दो अफराद हैं बलाज और वो उस्मान जिसने इनवाइट किया था वो दोनों जख्मी हैं दोनों को हॉस्पिटल लेके गए जिना हॉस्पिटल वहाँ पर जाके उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी लेकिन बाद में पता चला कि दो और अफराद हैं जिनको शरे लगे गोलियाँ बाकायदा गोली नहीं लेकिन लेकिन गोली के वो शरे लगे तो उनको भी फिर हॉस्पिटल आए टोटल चार अफराद हो गए लेकिन बलाज को चार गोलियाँ लगी थी और खून बहुत ज़्यादा बह चुका था तो तकरीबन कोई एक घंटे की ट्रीटमेंट के बाद उसकी डेथ होगी और टीपू ट्रक वाली के ट्रक वाला फैमिली का ये तीसरा ये तीसरी नस्ल है जो कत्ल हुई. हुई है इससे पहले इसके दादा कतल हुए इसके वालिद कत्ल हुए और फिर अब बलाज कत्ल हो गया एक इंटरव्यू में इससे सवाल हम नहीं किया था कि आपको शौक है ये सात गार्ड्स लेके चलने का बुलेट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ी इसके पास है बम प्रूफ गाड़ी पे फिरने का उसने कहा ये मुझे शौक़ नहीं है मुझे ये विरासत में मिली है जो मुझे आगे के कैरी करनी पड़ी है क्योंकि जिन्होंने मेरे वालिद को कत्ल करवाया और उसके बाद उनका टारगेट वो भी था हुँ. तो उनसे बचने के लिए वो सारा ये प्रोटोकॉल यूज़ करता था वो आ, उसका ये अपना बयान है कि वो नहीं चाहता तो वो इस तरह प्रोटोकॉल में फिरे लेकिन उमर आ, मैं एक चीज से बड़ी हैरान हूँ कि जब भी कोई कत्ल करता है उसका कोई ना कोई मकसद तो होता है दुश्मनी भी होती है तो दुश्मनी निभानी होती है या कोई मर्डरर होता है तो उसने पैसे लिए होते हैं ये कौन सा ऐसा कतल था जो इतना एम्बिशियस था अपने फैसले को पूरा करने के लिए कि वो सुसाइडल सटेम्प दे दी उसने उसको पता था कि वो मारा जाएगा एग्जैक्टली ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक पुलिस भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और दो तीन और मजीद इंफॉर्मेशन जो सामने आई है वो इससे ज्यादा अलार्मिंग है वो ये के शादी के फंक्शन के दौरान तीन ऐसे अफराध आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि इस शूटर की बैक साइड पे मतलब पीछे टेंट लगाया पीछे खाने के इंतजाम और वहां पर वो खड़े थे और उनकी सस्पिशियस एक्टिविटीज थी जैसे उनके पास भी वेपन है और वो वेट कर रहे थे कि अगर हमला करने के बाद बलाज के गन मैनों ने उस शूटर को ना मारा तो वो उसको मारेंगे ये अभी तक जो पुलिस तफ्तीश कर रही है उसके अंदर ये चीजें सामने आई हैं तो ये उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि वो शूटर जो मारने के लिए आया है उसने तो सुसाइडल अटैक ही किया ना उसको पता था कि उसको उसको हमला करेंगे लेकिन फिर भी गिरफ्तारी का चांस था क्योंकि इस तरह के वाकत पहले भी हो चुके हैं आपको याद होगा एक पॉलिटिशियन है असद खोकर उनके भाई की उनके

और उसकी मौत होगी वरना उसकी आइडेंटिफिकेशन से बहुत सी चीज़ें सामने आनी थी तो अभी तक उसकी शनाख्त हो गई है उसका नाम मुजफ्फर हुसैन है शेखुपुरे से वो ताल्लुक रखता है उसका उसका ताल्लुक शेखुपुरे का है और अभी पुलिस ने उसके घर रेड की थी तो घर बंद है अभी तो कोई वहाँ से चीजें पुलिस के हाथ नहीं आई लेकिन आसपास से पुलिस उसकी चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर रही है उसका मोबाइल फोन उसका लास्ट कॉलिंग वो सारा डाटा निकाल रहे हैं लेकिन चूँकि इट इज टू अर्ली टू से इसके इसके इस केस के हवाले से तो ना तो पुलिस बता रही है और ना ही हमें डिस्क्लोज करना चाहिए शक किसके ऊपर ज्यादा जा रहा है और uh, देखिए इनकी uh, बड़ी जो दुश्मनी है जो मेन uh, किरदार हैं hmm. वो तो इनका uh, जो एफआईआर में भी इन्होंने नामजद किए हैं गोकी बट और तीफी बट उनके साथ इनका क्लैश चला आ रहा है और शुरू से यानी कि ये यही एक वो कहते हैं ना सीढ़ी चलती आ रही है इनकी ऐसे ही है इनका पहला उन्होंने इन पर कई पर्चे करवाए हुए कई मुकदमा में ये बलाज जेल जा चुका है कई दफा बलाज की तरफ से एफ करवाई गई तो ये टसल इन दोनों के ग्रुप्स में काफी अरसे से चली आ रही थी और लगता था कि किसी एक का नुकसान होगा तो तो उसमें अभी तक ऐसे तो लग रहा है कि दुश्मनी ही है क्या था उमर बाहर क्या माहौल है क्योंकि जब इस तरह का पेश आता है तो बड़ी एक, एक अजीब किस्म की एक वॉर सी स्टार्ट हो जाती है क्या बाहर भी कुछ सनसनी ज्यादा है क्या महसूस कर रहे हैं देखें बड़ी अलार्मिंग बात है एक लाहौर एक बड़ा तजारती शहर है इसके अंदर एक वेव आई थी कि गैंगस्टर्स बहुत ज्यादा ऑपरेट करना शुरू हो गए थे और पाकिस्तान से बाहर बैठ के यहाँ पर शूटर्स को ऑपरेट करवाते वो अभी भी होता है लेकिन अब उस तरह की इंटेंसिटी नहीं है आ, तो वो शूटर्स वो गैंगस्टर्स वो उनके लिए अलार्मिंग है कि इतना बड़ा माहौल और उसकी इतनी बड़ी सिक्योरिटी गाड़ी जो बम प्रूफ है और उसकी मूवमेंट बड़ी सीक्रेट रखी जाती है लेकिन उसके बावजूद उसको टारगेट बना के उसको मार दिया गया है तो अब ये आ, आगे क्या होता है क्योंकि बलाज की अपनी सिक्योरिटी है उसके अपने एक उसका एक अपना नेटवर्क है तो वो अब बदले की तरफ जाते हैं वो क्या करते हैं वो किसको निशाना बनाते हैं तो अभी तक पुलिस इस पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली रोल प्ले कर रही है कि कहीं दोबारा से गैंग वारना शुरू हो जाए तो पुलिस के हाई ऑप्स जो हैं वो सर जोड़ के बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनकी तरफ से भी किसी का नुकसान ना हो और जिन्होंने ये किया है उनको भी पकड़ा जा सके इसके आ, आ, बलाज के पीछे क्या कोई ऐसा है जो बदला लेने आगे आ सकता है इनके इनके बच्चे तो क्योंकि बहुत छोटे हैं अभी बलाज के अपने तो दो बेटे हैं छोटे हैं उसकी शादी को चार 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 सालों में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो बलाज के बच्चों के बारे में तो नहीं लेकिन इसके दो भाई हैं और वो एक वकील है वही इसके कत्ल के मुकदमे का मदई बनाए तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है लेकिन जो इनके साथ इनके पास्ट में होता है पहले दादा कतल हुए बिला बिला ट्रका वाले फिर टीपू ट्रका वाले इसके वालिद कत्ल हुआ अब बलाज कतल हो गया तो रिएक्शन तो आ सकता है अब इस रिएक्शन से बचने के लिए पुलिस बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा कदम ना ये उठाएँ जिससे खून खराबा हो या कोई गैंग वॉर का खर्चा हो क्योंकि पुलिस ने कई दफ़े बलाज के डेरे पे भी छापे मारे वहाँ से कई अफराद को पकड़ा जो कि पुलिस का इल्ज़ाम था कि जी वो इश्तहारी हैं कई मकदम में तो ये गैंग्स में ये तो चलता रहता है और ये इस तरह के लोगों के लिए जो क्रिमिनल होते हैं ये अच्छी जगह होती है मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पर इनको छुपने का मौका मिल जाता है और ये मतलब आसानी से अपना वक्त गुजार सकते हैं तो अब देखना सिर्फ ये है कि इनकी तरफ से कोई रिएक्शन आता है या नहीं बहरहाल बलाज के बाद उसके दो भाई हैं जो इस वक्त अभी तो कुछ देर पहले उसकी तदफीन हुई है क्योंकि उसका नमाज जनाजा भी हम कवर करके आए हैं और वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे काफ़ी सियासी लोग आए हुए थे और, और अजीब किस्म का खौफ होगा वहाँ एग्जैक्टली exactly, exactly. बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूँगी कि आप एक दुश्मनी छोटी सी शुरू करते हैं और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है और ख़ास तौर तो पर जो गैंगस्टर्स की जो लाइफ है वो कितनी खौफनाक है ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि उनकी नस्लें तक उस चीज़ को फ़ेस करती हैं और आपका बहुत शुक्रिया ये स्टोरी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि हम लाहौर में रहते हुए इस वक्त हमारा सेफ़ रहना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं से भी कोई भी मामला कुछ भी हो सकता है पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताली अमीर बलाज के घर वालों को भी सबर दे जो तो भी उनकी फैमिली है वो जिस फेस से गुजरी है कि बहुत तकलीफ दिया है मुझे इजाजत दीजिए आज आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट स्टोरी में अभी तक के लिए इतना ही था क्योंकि वाक्य ऐसा है कि अल्फाज नहीं है तो आज़ाब से मुलाकात होगी दोबारा तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज